Hi everyone, I welcome you all to Target Competitive. Hope you are fine and doing well. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में. एंड यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ना कि करंट अफेयर्स बल्कि उनके रिलेटेड जितनी भी जीके आपको पूछी जाती है वो भी हम साथ ही में कवर अप करेंगे, लाइक सपोर्ट्स, अवार्ड एंड जो भी कुछ होते हैं, अपॉइंटमेंट एंड एनीथिंग एल्स, जितना भी होगा वो आने वाले 8 to 10 डेज में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे. एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जो COVID-19 है, जो कि लास्ट ईयर रहा था पूरे साल 2019 में, COVID-19 के रिलेटेड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है करंट अफेयर्स में. एंड यहाँ पे मैंने फुल क्रोनोलॉजी मेंशन की है COVID-19 के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में COVID-19 का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड यहाँ पे मैंने कुछ MCQs भी डिस्कस किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं COVID-19 के रिलेटेड. तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में रेड वाला बटन दबाओ एंड बेल आइकन भी दबाओ. तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे IPL की, ठीक. तो IPL की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि 2020 में हुआ, कहाँ पे हुआ, तो वेन्यू क्या था, तो वेन्यू था दुबई, ठीक. एंड ये कौन सा एडिशन था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि पेपर में ये कौन सा एडिशन था, तो दैट वाज 13th एडिशन. और किन्होंने जीता, तो ये एडिशन जीता मुंबई इंडियंस ने, ठीक. एंड इन्होंने किनको बीट किया, तो दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने बीट किया फाइनल में. और मुंबई इंडियंस ने कितनी बार ये टाइटल अब अपने नाम किया है, तो दैट इज़ 5th टाइम, ठीक. तो और भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक RRB के पेपर्स में, स्टाफ सिलेक्शन के पेपर्स में. एंड जो भी यहाँ पे टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं, जो रिसेंटली RRB स्टाफ सिलेक्शन के पेपर हुए हैं एंड वहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछी गई है, दैट आई हैव केप्ट इन माइंड. तो ऑरेंज कैप किन्होंने जीती, तो यहाँ पे ऑरेंज कैप जीती KL राहुल ने, ठीक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है KL राहुल, इन्होंने ऑरेंज कैप किनको दी जाती है, जो हाईएस्ट रन गेटर होता है ना टूर्नामेंट में, उसको मिलता है ऑरेंज कैप. पर्पल कैप कागिसो रबाड़ा दिल्ली कैपिटल्स से, तो इनको मिली है पर्पल कैप, यानी कि जो लीडिंग विकेट टेकर रहता है उसको मिलती है पर्पल कैप. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपसे IPL का चेयरमैन पूछा जाए, क्योंकि जो भी कोई एसोसिएशन होती है क्रिकेट के रिगार्डिंग, तो इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, इनका नाम जनरली पूछा जाता है पेपर्स में, तो ये हैं ब्रिजेश पाटिल, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या बनता है, कि स्पॉन्सरशिप, इस बार का जो IPL था तो उसको स्पॉन्सर किसने किया, तो दैट वाज बाय ड्रीम इलेवन, क्योंकि वीवो जो थी चाइनीज कंपनी, तो इन्होंने इस बार स्पॉन्सर नहीं किया IPL को, तो ड्रीम इलेवन. एंड ड्रीम इलेवन के एम्बेसडर कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो एम्बेसडर भी हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, तो वो है MS धोनी. नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL T20 कब, 2020 में, तो वो थे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन, आई थिंक अराउंड 15.5 करोड़ में कुछ ये सोल्ड आउट हुए थे, किनको, कोलकाता नाइट राइडर्स को, ठीक. नेक्स्ट है यहाँ पे टीम हैविंग वॉन हाइस्ट नंबर ऑफ मैच, तो ये RRB में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा, जो ये वाला है आपको दिख रहा है यहाँ पे, टीम हैविंग वॉन हाइस्ट नंबर ऑफ मैचेस, तो दैट इज मुंबई इंडियंस, जिन्होंने मतलब 13 एडिशनों में सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं, तो वो कौन है, मुंबई इंडियंस. कैप्टन हैविंग वॉन हाइस्ट नंबर ऑफ मैच, दैट इज MS धोनी. तो ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये RRB के रिसेंट पेपर्स में भी आए हुए हैं, ठीक. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी रणजी ट्रॉफी. तो रणजी ट्रॉफी 2020 किन्होंने जीती, तो वो जीती सौराष्ट्र ने. और इन्होंने पहली बार सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता. और इन्होंने किनको बीट किया, बंगाल को बीट किया. और इनको लीड कौन कर रहे थे, तो इनको लीड कर रहे थे जयदेव उनडकट, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और ये लीडिंग विकेट टेकर रहे 67 विकेट्स के साथ. एंड अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम टाइमर्स, ठीक, मैक्सिमम टाइमर्स रणजी ट्रॉफी किन्होंने जीती है, तो दैट इज़ बाय मुंबई. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक. नेक्स्ट सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि हाल ही में जैन में शायद हुई. तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी बेसिकली ये जो होता है, ये T20 फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे
ये जो ट्रॉफी है ये फाइनल जीती, ये यहाँ पे जो फाइनल जीता तो वो जीता तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के कैप्टन जो थे वो थे विकेट कीपर दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020, तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 ये हुआ था कोविड-19 के पहले, ऑलमोस्ट फेब में हुआ था। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन वुमेन्स को बीट किया था बाय अराउंड 85 रन्स। और ये कौन सा एडिशन था? दिस वॉज 7th एडिशन एंड 5th टाइटल फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है भाई आप बताओ रणजी ट्रॉफी जो है ये कौन से खेल में आती है, क्रिकेट फुटबॉल, और आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे कुछ 12 खेलों को ट्रॉफीज़ को पिक किया है जिनको बार बार पूछा जाता है पेपर्स में, चाहे RRB हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, या फिर JKSSB के डिफरेंट पेपर्स को जिनको मैंने पिक किया है, तो वहाँ से ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे। तो क्रिकेट में आपको याद रखना होगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी एंड देन मोइनुद्दौला गोल्ड कप। तो ये जो है ना ये रिलेटेड टू क्रिकेट हैं ये कप, ये ट्रॉफीज़। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो रिसेंटली संतोष ट्रॉफी जो है तो ये RRB के पेपर में डाला गया था रिसेंटली, RRB NTPC। तो फुटबॉल जो वहाँ पे लिखा गया था संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एंड और कुछ ऑप्शन बनता था। तो ये आपको दिमाग में चिपका के रखना है। देन DCM ट्रॉफी, कोलंबो कप, दुरंद कप, रोवर्स कप, IFA शील्ड, तो दीज आर रिलेटेड टू फुटबॉल। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं दीज हैव बीन आस्क्ड इन रिसेंट पेपर्स, तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है यहाँ पे फर्स्ट ODI सेंचुरी बनाने वाले कौन से खिलाड़ी थे, तो दैट वाज डेनिस एम्बिस। किनके खिलाड़ी थे? इंग्लैंड के, और कब बनाई? 1972 में। अगर इंडियन की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन कौन था, तो पहला इंडियन जिसने ODI सेंचुरी हिट की दैट वाज कपिल देव इन 1983। नेक्स्ट फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी तो वो बनाई है चार्ल्स बैनरमैन ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, किनके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, कब? 1877 में। तो देखिए ये क्वेश्चन RRB में पूछा गया है। नेक्स्ट फर्स्ट T20 सेंचुरी तो क्रिस गेल ने लगाई थी, कब? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इनिशियल जो इनाग्रल T20 वर्ल्ड कप था 2007 में, तो वहाँ पे लगाई थी। नेक्स्ट इज इंडियन कौन थे, तो इंडियन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बंदे मिस्टेक करते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली को पिक करेंगे, तो आपको याद रखना है दैट वाज सुरेश रैना। ठीक, जिन्होंने लास्ट ईयर 2020 में सुरेश रैना धोनी ने रिटायर जो कि हुए हैं। देन यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है RRB में स्टाफ सिलेक्शन में, फर्स्ट टेस्ट मैच में कौन सा कैप्टन था इंडिया का जो इंडिया को कैप्टनशिप कर रहा था, तो दैट वाज CK नायडू। ये काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज फर्स्ट ODI मैच में कौन सा कैप्टन था, तो दैट वाज अजीत वाडेकर। नेक्स्ट इज फर्स्ट T20 मैच में कौन कैप्टनशिप कर रहा था, तो ये रिसेंटली स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में पूछा गया था, क्योंकि बहुत सारे बंदे वहाँ पे MS धोनी को टिक कर गए, फर्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया तो दैट इज़ नॉट MS धोनी, दैट इज़ वीरेंद्र सहवाग, कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर 2020 का, तो वो होना था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, बट ड्यू टू कोविड-19 वो क्या हुआ, वो हुआ नहीं। एंड वो कौन सा एडिशन होने वाला था? 7th। अब जो 7th एडिशन है ना ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है रिसेंट पेपर्स में। तो ये एडिशन कहाँ पे होगा? ये अब इंडिया में इसी साल यानी कि 2021 में यहाँ पे होगा। ठीक, एंड नेक्स्ट कहाँ पे होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। एंड साथ ही आपको ये जो विनर्स है ना इनको आपको याद रखना है, इंडिया ने पहली बार कब जीता था? 2007 में। एंड लास्ट टाइम किन्होंने जीता था? तो लास्ट टाइम जीता था वेस्ट इंडीज़ ने, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2014 का रिसेंट पेपर में पूछा जा चुका है। एंड देखिए श्रीलंका के रिलेटेड ही 2014 का SSB जनरल टीचर पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जिमी एंडरसन जो कि इंग्लिश फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने ये वर्ल्ड के पहले फास्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स लिए हैं।
एंड इनके अलावा और तीन हैं जो कि बट स्पिनर्स हैं, लाइक शीनवान हो गया, मुरलीधरन हो गया, और इंडिया के कौन हैं, इंडिया के हैं अनिल कुंबले, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, टेनिस 2020 में जो ग्रैंड स्लैम हुई है, ठीक, तो टेनिस 2020 में चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, इनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। एंड ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो दैट इज़ फोर, आपका आंसर क्या होगा, चार। एंड इनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है, तो पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हाल ही में अभी के टाइम हो रहा है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, देन होता है फ्रेंच ओपन, देन विमिल्डन ओपन, देन यूएस ओपन। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2020 में कौन सा यहाँ पे ग्रैंड स्लैम हुआ नहीं, यानी कि कौन सा ग्रैंड स्लैम यहाँ पे हुआ नहीं 2020 में, तो दैट वॉज विमिल्डन ओपन। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, आपको विनर्स के नाम यहाँ पे याद रखने हैं, तो मेंस का जीता नोवेक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के हैं, और इनकी कंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी में सर्बिया पूछा गया रिसेंटली कि नोवक जोकोविक है, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता। तो देखिए कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वुमेन्स जो है चैंपियन रही ऑस्ट्रेलियन ओपन की, दैट वाज सोफिया कैनन, यूएस की हैं। नेक्स्ट यूएस ओपन के दो यहाँ पे विनर्स हैं, देखिए मेन के हैं डोमिनिक थेम, एंड वुमेन्स के हैं अगेन नियोमी ओसाका, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच ओपन मेन का जीता रेफल नडाल ने, एंड वुमेन्स का जीता ईगा स्वैटेक ने, तो यहाँ पे जो इनकी कंट्री है, कंट्री किससे बॉर्न हुए हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी रिसेंटली पेपर में पूछा जा चुका है, नोवाक जोकोविक एक ये जो है ये करंटली रैंकड वन है, कौन, नोवाक जोकोविक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्या है, करंटली रैंकड वन। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रैंड स्लैम होता है ये मैक्सिमम टाइम्स किसने जीता है, तो दैट हैज़ बीन वन बाय रोजर फेडरर, जो कि स्विश हैं, एंड इन्होंने कितनी बार जीता है, तो इन्होंने जीता है 20 टाइम्स। एंड ये जो जीता है इन्होंने, ये इन्होंने सिंगल्स में होता है क्योंकि यहाँ पे डबल और सिंगल्स दो होते हैं, तो इन्होंने जीता है सिंगल्स में। नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में ओलंपिक गेम्स, तो इसलिए मैंने आपको मेंशन किया, वी आर नॉट ओनली गोइंग टू कवर अप करंट अफेयर्स बट वी आर गोइंग टू सी द जीके बिहाइंड देम इन डेप्थ, ठीक। तो ओलंपिक गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहली ओलंपिक गेम्स कहाँ पे खेले गए, तो वो खेले गए थे एथेंस ग्रीस में, चाहे आरआरबी हो, एसएसबी का पेपर हो, केएएस का पेपर हो, तो ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जा चुका है कि ओलंपिक गेम्स कहाँ पे पहली बार हुए, तो दे हैव बीन टेकन प्लेस इन कहाँ पे, एथेंस में, यानी कि कब हुए थे, ये भी डेट आपको याद रखनी है, 1896 में, ठीक। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रिसेंट ओलंपिक्स होने वाले थे, तो वो होने वाले थे कहाँ पे, टोक्यो जापान में 2020 में, बट वो यहाँ पे इस बार नहीं हुई है, देखिए आरआरबी में केएएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टोक्यो जापान जो है इसमें कब यहाँ पे ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, तो दैट वाज 2020, बट अब ये चेंज हुआ है, अब हम टोक्यो 2020 नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे टोक्यो 2021। कब से स्टार्ट हो रहा है ये जुलाई 23 से स्टार्ट होगा इस ईयर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट आरआरबी के पेपर में कि रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 2016 में इंडियन कौन से एथलीट थे जिन्होंने सिल्वर जीता था, तो दैट वॉज PV सिंधु, ठीक, PV सिंधु ने। नेक्स्ट द ओनली गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया जो कि आया है कहाँ पे ओलंपिक गेम्स में, तो वो आया है अभिनव बिंद्रा के द्वारा कहाँ पे, शूटिंग में, एंड ये आया था बीजिंग 2008 में, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, तो या फिर राइट डाउन करो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इटालियन ओपन 2020 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि 2020 में लिमिटेड सपोर्ट्स हुए हैं इसलिए आपको ये याद रखना होगा, मैन सिंगल जीता था नोवाक जोकोविक ने, वुमेन सिंगल जीता था सिमोना हिप ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविक जो है इन्होंने ये बने हैं 6th टाइम ATP नंबर 1 टेनिस प्लेयर अवार्ड जो है ये इनको दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
है यहाँ पे नियोमी ओसाका के रिलेटेड। ये हैं भाई हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट इन दी वर्ल्ड। हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट इन दी वर्ल्ड कौन है? नियोमी ओसाका, जो कि टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर राइफल चैंपियनशिप 2020, तो ये जीता साहू तुषार ने, जो कि इंडियन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इन्होंने जीता यहाँ पे, गॉट सिल्वर मेडल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, अगेन यहाँ पे इंडियन का नाम आपको याद रखना है, विष्णु शिवराज पांडियन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ, किस में जीता? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। नेक्स्ट, 53rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? इंडिया में हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2020 में हुई। और यहाँ पे कि मनु बारकर जो है, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। ठीक, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। देन जीना खीता, इन्होंने भी गोल्ड जीता। सौरभ चौधरी ने भी यहाँ पे गोल्ड जीता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, 7th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो ये जीता लद्दाख की टीम ने। किनको हराया? तो इन्होंने हराया दिल्ली को। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF चैलेंजर्स प्लस ओमान ओपन 2020, तो यहाँ पे जीता अचांता शारत कमल ने, जो कि इंडियन पैडलर हैं। तो जो भी इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं एंड वहाँ पे जो जिसमें भी इंडियन ने जीता है, तो वो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पेपर्स में। नेक्स्ट, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 कहाँ पे हुए? भुवनेश्वर में हुए। तो जीता किन्होंने यहाँ पे? तो यही आपको खाली याद रखना होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉपर दी गोल्ड टैली। ठीक, एक और पॉइंट है यहाँ पे रिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी, जो मक्का ट्रॉफी 2020 का अवार्ड मिला, तो दैट वॉज वॉन बाय अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 थर्ड एडिशन कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी में हुआ। यहाँ पे हाईएस्ट मेडल किन्होंने लिए? तो महाराष्ट्र ने लिए। ठीक, देन नेक्स्ट देखिए हरियाणा दिल्ली। ठीक, तो आपको रैंक वन किन की है? तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस बार टोटल सपोर्ट कितने हुए? तो वो हुए 20, क्योंकि यहाँ पे अब हर एडिशन में कुछ ना कुछ सपोर्ट्स में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सपोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो है किरण रिजू। एंड नेशनल सपोर्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो दैट इज ऑन 29th अगस्त। ठीक, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, पहले आपको ये याद रखनी नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे। तो जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होंगे, वो होंगे बर्मिंगम इंग्लैंड में। कहाँ पे? बर्मिंगम इंग्लैंड, यानी कि UK में होंगे। ठीक, तो इंडिया में कब हुए थे? तो रिसेंटली इंडिया में हुए थे 2010 में, ये भी आपको याद रखना है। और वो 19th एडिशन था। पहली बार कहाँ पे हुए? तो पहली बार ये हुए कहाँ पे? हैमिल्टन में, कनाडा में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है RRB स्टाफ सिलेक्शन डिफरेंट पेपर्स में। कब हुआ? 1930 में। मैंने आपको मेंशन किया कि 1896 में ओलंपिक गेम्स पहली बार हुए, कॉमनवेल्थ कब हुए? 1930 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स। ठीक, तो एशियन गेम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो एशियन गेम्स के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे होने वाले हैं एंड पहली बार कहाँ पे हुआ है। तो नेक्स्ट एशियन गेम्स होंगे कहाँ पे? चाइना में 2022 में। ठीक, देन पहली बार कहाँ पे हुए हैं? तो ये RRB क्वेश्चन, RRB में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हुए थे 1951 कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, पहली बार 1951 में। एंड जो 2018 में हुआ था जकार्ता में, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट याद नहीं रखने, क्योंकि ये जो है 2018 काफ़ी मतलब अब दूर जा चुका है। ठीक, अगर इस साल होते 22 यानी कि 2021 में, और यहाँ रिसेंट ईयर 2021 में, तब जाके आपको ये चीज़ें, ये जो डेटा है ना, ये आपको याद रखना होता कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पे लीड की, कौन सी कंट्री यहाँ पे टॉप रही और इंडिया ने कितना जीता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे
सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो भी आने वाला लेक्चर होगा वहाँ पे हम अवार्ड्स कवर अप करेंगे, चाहे नोबल प्राइज़ हो, जो भी प्राइज़ हो जो कि इंडिया में दिया जाता है, या फिर सपोर्ट्स से रिलेटेड प्राइज़ हो, या जो भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।